是低调，嗯，弥漫，嗯。 श्रीमुत्प्रीरं स्याद्मा मुग्ला धिया त्रैलोकिना तस्य शासिनम्

जय वो जय वंतराग संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंक दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्या तत्व का बोध प्रदान किया है वस्तु के वस्तुत्व को पृथ्वी के हर एक मानव को सिखा दिया चाहे जीव तत्व बोध जाने न जाने लेकिन वस्तु व्यवस्था अनेकांश है बिना याद बांध की शरण को प्राप्त किए विसंबा दूर नहीं हो सकता। बिना बात की शरण को प्राप्त किए तत्व का बोध नहीं हो सकता बिना शरण को प्राप्त किए बिना सम्यक तत्व का निर्णय नहीं हो सकता है जिस जीव ने सद का आश्रय लिया है सियाद की शरण को प्राप्त किया है वे जीव ज्ञानियों भगवान हो गए जिन्होंने बांस सा विद्वेष किया है वे इस लोक में तत्न निर्णय और परलोक में दुर्गति के पात्र हुए जगत के संपूर्ण बाधों को विराम कराने वाली विद्या का नाम सदवाद है एकांत को समापन करने वाला अनेकांत द्वार है अनेकांत द्वार है जैसे ज्ञानियों द्वार तुम्हारे पास होगा भवन कितना ही विशाल हो परंतु जब तक द्वार नहीं होगा भवन में प्रवेश नहीं हो सकता है आपके भवन में कितने बहुमूल रत्न हैं बहुमूल सामग्रियां हैं उन सामग्रियों के पास पहुंचने के लिए आपको द्वार तो खोजना पड़ेगा इसी प्रकार से तत्व मीमांसा के लिए तत्व निर्णय के लिए जनागम में अनियोग द्वार की व्याख्या है अनियोग द्वार ये अनियोग जो है द्वार है प्रथमान कर्ण अनुगरण अनुग कर्ण ये द्रव्य चारो के चारों अनियोग जो है श्री धवला जी में अनियोग द्वार की व्याख्या है द्वार है द्वार दरवाजे जैसे गेट में प्रवेश करने पर द्वार में प्रवेश करने पर दरवाजे में प्रवेश करने पर अंदर आपको बहुमूल्य द्रव मिलता है ऐसे मुमुक्षु चार अनियोगों के पास तुम पहुंच करके इन अनियोग द्वारों के पास पहुंच करके जब आगम में प्रवेश करोगे तो आपको अनंतानंत जगत के छह द्रव्य अवश्य छ्रव्यो है एक एक द्रव्य अपने आप में अनंत अनंत है समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं एक एक द्रव्य अनंत अनंत है पंडित जी साहब देव कुमार जी धर्म द्रव्य एक है अधर्म द्रव्य एक है आकाश एक है काल असंख्यात है कालाणु पुद्गल अनंत है अनंत अनंत जीव अनंत अनंत है लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन अनंतों में जो है जो एक एक द्रव्य है वे भी अनंत हैं जो एक एक द्रव्य है वो भी अनंत है और एक जीव द्रव्य है वो भी अनंत है एक परमाणु है वो भी अनंत है विराज अब समझो अनंत कैसे एक पेंसिल है बराबर एक आपको एक दिख रही है ये कि कितने रूप प्रमन कर सकती है एक पेंसिल है एक पुद्गल पिंड है तो एक पुद्गल जो है एक पुद्गल, एक पुद्गल, एक पुद्गल इसमें कितनी पर्याय हो सकती है कितना परमन हो सकता अनंत अनंत पर्याय हो सकती है बराबर चलिए क्या नहीं एक बालक है कि वो एक जीव है एक बालक है एक जीव है तो जो एक जीव है वो तो कितनी पर्याओं में जा सकता है एक जीव है आप एक बालक हो एक युवा हो मित्र आप कितनी शरीरों को प्राप्त कर चुके हो कितनी शरीर जीव प्राप्त कर सकता है कितनी पर्याओं को जीव ने प्राप्त किया है कितनी और पर्याय प्राप्त कर सकता है जो पर्याय है जो पर्याय है वो भी पर्याय दृष्टि से भाव है आप जीव द्रुव हूं आप लोग देखो सभी एक युवा है एक जीव है इस जीव के इस जीव के आप बता सकते जीव ने कितनी पर्याओं को छोड़ा है आज तक कितनी पर्याओं को स्वीकार करेगा जीव एक ही जीव अनंत अनंतों का पिंड होता है एक ही द्रव्य अनंत पर्याओं का पिंड होता है इस दृष्टि से धर्म ध्रुव में भी जो प्रणमन चल रहा है अर्थ पर्याय का वो अनंत भूत होगा अधर्म द्रव्य में अनंत भूत होगा आकाश में अनंत भूत होगा यानी कालाणियों में पुदगुनों में जीव में अनंत रूप प्रणमन चल रहा है प्रश्न जो अनंतरोपण मन चल रहा है उसे हम कितना देख पाते हैं उसे हम कितना देख पाते हैं अहो मेरे देश के ज्ञानियों मत भरो दम्भ हम बहुत जानते हैं अहो मेरे देश के विद्वानों मत भरो भरोधम हम बहुत जानते हैं तुम बहुत क्या जान पाओगे तुम अपनी ही पर्याओं को नहीं जानते तुम बहुत की बात कर रहे बेटा बैठ जाओ एक घटना घटी एक घटना घटी वो घटना ऐसी घटी दो विद्वान थे विप्रपुत्र दोनों को दोनों बनारस से अध्ययन करके आए और जब व्यक्ति कहीं से आता है तो अपने गांव में बड़ा विशेषता दिखाता है पहले कहीं प्लेट धो धोके आए पर अपने गांव में बहुत विशेषता दिखाता है मत दिखाइए विशेषता अब दोनों बनारस से पढ़ के वो बनारस से जब पढ़ के आए वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए धांत पढ़ लिए वेद वेदांत का ज्ञाता हुए लेकिन इतना नहीं पढ़ पाए विनय कैसे करना चाहिए सब कुछ पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया लेकिन रवि जिस जीव में यह नहीं पढ़ा कि ज्येष्ठों का श्रेष्ठों का विनय कैसे करना चाहिए तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा कुछ भी नहीं सीखा जो गुरुओं पर भी अपना गुरुत्व दिखाने की चेष्टा करें और चार दिन की चांदी को देख करके मित्र अहंकार में डूबने लग जाए कभी भी सोनू ए मत सोच बैठना कि मैं पिताजी से बड़ा हो चुका कभी मैं सोचना कभी मैं सोचना व्यक्ति वो ज्ञान किस बात का वो विभूति किस बात की जो अहिंकार के शिखर पर खड़ी करते लोग यही सोचते हैं, मैंने बहुत कुछ पा लिया है मित्र विश्वास मानो विश्वास मानो, क्या तुमने पाया क्या तुमने सीखा कुछ भी नहीं पाया अपनी परियाओं को तो जान नहीं पा रहे हो जगत के द्रव्यों की अनंत परियाओं को क्या तुम बता पाओगे हो इसलिए भैया कई बार आप मेरे से पूछ चुके हो बोलो जी कितना गुरु जी ज्ञान है ये सब कहां से बोलते रहते हो विश्वास रखना जिस दिन मैं ये सीख लूंगा मेरे पास कितना ज्ञान है उस दिन अज्ञानी हो जाएंगे उस दिन अज्ञानी हो जाएंगे बोले क्यों अज्ञानी हो जाएंगे बोले इसलिए अज्ञानी हो जाएंगे उसमें ज्ञान है इसमें यदि मध का कीड़ा लग गया यदि सोनू देव कुमार पंडित घर में चार चार कुठिले रखे हुए हैं मैं कुठिले बोल रहा हूँ इसलिए कुछ प्राचीन वस्तुओं का भाषा का नियंत्रण और सुरक्षा हो जाए चार चार कुठिले रखे हुए हैं और एक कुठीला छोटा नहीं होता है और आप उनसे पूछ के आइए देपमा जी से वो पंडित कुठीला कौन सी वस्तु होती है हो सकता है कि सुधीर गोंदिया बता दे हो सकता है अनिल कासिलवा बता दे महेंद्र चूड़ी वाला बता दे कुठिला पूछ क्या कुठिला क्या होता है सोनू जानते कुठिला नहीं जानते शीघ्र पूछ क्या कुठिला जानते हो महेंद्र से पूछो महेंद्र भी नहीं जानते सुधीर से पूछो गोंदिया से क्या बताया उनको भी मालूम नहीं तो क्या बोले कुठिला क्या होता बिल्कुल ठीक बता रहे हो मित्र वो सुरेश चूड़ी वाला आखिर में है तो फिरोजाबाद का उनको सही बता रहे हैं देखो सुनो कुठिला जो होता है वो मिट्टी का होता है वो काली मिट्टी से ये माता बहनें भी बना लेती है और कोई कारीगर से बनवा लो और ऐसा बनता गोल 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 और बहुत ऊंचा बनता मतलब यही है कि तुम्हारी छत थोड़ी दूर रह जाए ऐसा और जिसके घर में चार चार कुठिले हों कुठीला कोठी कुठिला मतलब है वो इसलिए बनाया जाता है उसके जैसे आपने देखा आज भी बनते हैं आपके घर में भी होगा लेकिन वो बस तो वही है आज तुम्हारे घर में जो है स्टील की अथवा टीन की चद्दर की टंकियां आ रही हैं उन टंकियों में बीच में छेद होता है बराबर क्यों होता है उसमें सामान भर दिए गेहूं भर दिए धान्य भर दिए और धान्य भरने के उपरांत धीरे से निकालना है गेट ऊपर का नहीं खोलना हवा नहीं जाना चाहिए तो तुमने नीचे का छेद खोद करके उससे निकाल लिया अब तो समझ में पेट टंकियां तुम्हारे घर में रखी हुई है वे टंकियां आज देखो जो भी नया बन रहा है जो मिट्टी से बनता तुमने टिन से बना दिया है चद्दर से बना दिया लेकिन वस्तु तो वही है अब सुनिए बेराजो ज्ञानी हो सोनू तेरे उनके घर में चार कुठिले अब चार कुले मालूम इतने ऊंचे ऊंचे चौड़े लंबे हैं उनमें कई बोरे गेहूं भर जाते हैं अब सोनू मुस्कुरा रहा है कि मेरे घर में चार कुठीले बोले कितनी कोरे ना हो जाए कितनी रोग मारी फेर जाए मेरे घर में तो चार कुठीले बिल्कुल पैक चार कुठीले के अहम में डूबा भाई यदि उन कुठलों में धान भरा हुआ है उन बड़ी बड़ी टंकियों में धान भरा हुआ है और आपको आकर कुठीले का आप रायपुर से भिलाई जाओ और रायपुर से भिलाई के बीच में जो तेल के टैंक बने हुए ना रायपुर से भिलाई के बीच में जो तेल के टैंक रखे हुए कि नहीं रखे हुए बस वही कुठीला है वही कुटीला है आपके मोटे मोटे धातु के बने रखे हुए हैं, वे मिट्टी के बना के उसमें धान्य भरते हैं अब आपसे प्रश्न है कोई व्यक्ति उन बिलाई के बीच के टैंकों का जो सोमी है वो बहुत अहम में डूब जाए कि मेरे पास न टैंक है मुझे कोई टेंशन ही नहीं इतना तेल हमारे यहाँ है एक पुरुष कुटीला वाला अहंकार में डूबा है सोनू भाई और वो तेल वाले डूबे मेरे पास तेल है यदि उसमें तुमने नीम की पत्ती डाल के रखा है और गेहूं भर दिए हैं तब तो आप अहंकार कर लेना लेकिन यदि उसमें कीड़े लग गए और जैसा गेहूं का आकार होता है जैसा गेहूं का रंग होता है जो कि तुम उसी रंग के कीड़े कुेले में लग जाते हैं। एक काड़ी माचिस की किसी ने लगा दी कहां पर? ए भिलाई के बीच में रायपुर के बीच में तेल के टैंक रखे हुए हैं। एक काड़ी लग गई मित्र तेल का अहंकार का क्या होगा धुआं हो जाएगा ऐसे सोनू चार चार कुठिले में गेहूं भरे हुए थे मित्र कीड़े लग गए तो फिर उन कुठिलों का क्या होगा आपको दिखता था गेहूं भरे रखे जब तुम खोलोगे चाहे ऊपर से चाहे नीचे बीच से लेकिन निकलेगी धुआं अर्ध आटे के रूप में धुआं जैसे बास निकलेगी बस 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 धन ध्यान तुम्हें तो क्या बोल रहे चार कुले रखे हुए थे जब खोला तो वहां धुआं निकल गया पे तो गया। मित्र ऐसे चार अनुयोगों के कुठिले तुम रख गए थे चार अनुयोगों का भर के लाए ला थे बोले मैं बहुत ज्ञानी बहुत ज्ञानी बहुत ज्ञानी हूं ओहो बहुत ज्ञानी जैसे कुठीले में धान में कीड़े लग जाए ऐसे जिसके ज्ञान में मद का कीड़े लग गए हैं उनका पूरा ज्ञान जो है धुआं हो चुका है कुछ भी नहीं बचा यानी जिसके अंदर विनय की पत्ती नहीं है जिसके अंदर विनय की नीम की पत्ती नहीं डाली गेहूं भरने वाले उसमें पहले नीम की पत्ती छोड़ देते हैं जिससे कि की कीड़े ना लग पाए ऐसी जिन जिन जीवों को ज्ञान प्राप्त करना हो उन सबको सबसे पहले अपने अंदर विनय की पत्ती डाल देना चाहिए जिसे अहिंकार के कीड़े ना लग पाए अहिंकार के कीड़े ना लग सके सोनू हुआ ये भी दोनों विप्रपुत्र बनारस से पढ़ के तो आए बिराजो बनारस से पढ़ के तो आए लेकिन विनय की पत्ती लगा के नहीं आए जहां देखो मद में डूबे जहां देखो मद में डूबे अहिंकार से पूर्ण उनकी बुद्धि में आ गया था चाहे कोई भी दान मिल जाए साधु पुरुष मिल जाए मुझे तो शास्त्रार्थ करना है मुझे शास्त्रार्थ करना है जो पुरुष साकेत, जो पुरुष ये सोचता है कि मुझे तो बोलना ही है चैन पड़ता ही नहीं मुझे तो बोलना ही चैन पड़ता ही नहीं, मुझे तो ही। ही नहीं। मुझे है मुझे शास्त्रार्थ करना वो साधुओं का अभिनय करना है ऐसा उन लोगों ने सोच लिया मालूम कर कंडूक कंडूको खुजली कर कंडूक खुजली खुजली खाज होती ना खाज उसको कहते कंडूक जो व्यक्ति बिना हाथ पैर धोए बिना शुद्धि किए कीचड़ छपा करके मंदिर में प्रवेश करते हैं उनकी खास धात होती है उसका फल सुना खास दात होती खास दात जिन जीवों ने श्री जिनाले में बिना हाथ पैर धोए प्रवेश कर दिया और मित्र जो पुरुष काट को पहन करके कड़ाओं को पहन करके श्री जिनाले में आया है और जिसने पैरों की हाथों की शुद्धि नहीं की है वो मेरे मित्र दरिद्र होता है चरम के पे चरम की पन्हैया पहन के आएगा मित्र वो मंदिर में आएगा वो चाम के चरम के जूते पहन के आया है ऐसा प्राणी विवेकहीन होकर प्रवेश कर गया उसको अगली पर्याय चरमकार की नियतो चूल क्यों क्योंकि आप चमड़े के जूतों में मोजे लगे उसके अंदर और जिन्होंने दुर्गंध आ रही है उन्हीं मोजे पहले मंदिर में प्रवेश कर गए मित्र समल के जीव समल के जीव, कर्म छोड़ेगा नहीं एक ग्वालिन ने दल कमल सहस दल कमल सरोवर से चुना सेठ सेठ के पास पहुंच गया। जी ने उसने सोचा हम सेठ जी को भेंट करेंगे ना तो सेठ मुझे पुरस्कार देगा। सेठ ने देखा कमल कमल है वो कमल उन्होंने कहा आप ऐसा करो अपने राजा को दो मेरे से बड़े राजा है राजा के पास पहुंचता है उसको तो इनाम चाहिए था लेकिन राजा कहता बेटा मैं तो तुमको इनाम देता दे, दे, ऐसे दे देता हूं लेकिन आप ऐसा करो मेरे से बड़ा जगत में कोई है उसका नाम तीर्थंकर जिनदेव है वो भक्ति से भरा ग्वाले का पुत्र सहज दल कमल लेकर के श्री जिनाले में चला गया जिनदेव के चरणों में वो चढ़ा करके नमस्कार करके निकल गया लेकिन परिणाम क्या निकला सहज दल कमल तीर्थंकर परमेश्वर के श्री चरणों में चढ़ाया इसलिए सम्राट बना सम्राट बना इतना पुण्य कमाया परंतु उसके पैरों में खुजली हाथों में खुजली बेचारे को शर्म आती थी एक दिन बीत करके दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचा देखो मैं आपको करुणा से बता रहा हूं मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से खुजिले में खुजले कुत्ते जैसे बेचारा भागे स्वप्न भी नबीन स्वप्न भी उन लोगों से कह देना अभी तुम बुद्धि की अल्पज्ञता में मद में डूबे हो कभी किसी गुरुओं की अवहेलना मत करना कभी किसी गुरुओं के बीच में बात करके झगड़ा नहीं करा देना अपनी बात को कह करके और नमोस्तु शासन मत बोल देना मेरे मित्र विशेष समझना चाहिए व्यक्ति को ऐसा जगत है जगत है विषमभा फैलाने के लिए व्यक्ति कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन सत्य है नमोस्तु शासन गुरुओं की अवेलना का नहीं है नमोस्तु शासन गुरुओं की वंदना का है इसलिए जिस शासन में नमोस्तु होता हो ऐसे सर्वज्ञ के शासन कोई ही बसनंदी स्वामी ने श्री मूलाचार्य में नमोस्तु शासन लिखा है कोई अलग से कोई शासन ही नमोस्तु शासन और जिस व्यक्ति ने इस शासन को ही नहीं समझा हो ऐसा लगता है उन्होंने अभी मूलाचार का ही स्वाध्याय नहीं किया सर्वज्ञ के शासन को ही दीने के शासन में नमोस्तु शासन का है अब मित्र विषय यह है ठीला तो भरा था सब कुछ था बेचारा हताश हो गया नबीन और जाकर के गुरु के पास पहुंचता है सोमी मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया मैं सम्राट पद पर आशी ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे हाथ में खुजली पैरों में खुजली कभी कभी जो खाद होती ना छब्बीस प्रकार का कुष्ठ रोग होता है आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है उसमें एक कुष्ठ रोग एक खुजली भी ही है। 26 प्रकार का कुष्ठ होता है जब सम्राट कर कंडू सम्राट कर कंडू और ये छोटा मोटा आदमी नहीं है जैन दर्शन में करकंडू की महिमा गाई गई है बौद्ध दर्शन में करकंडू की महिमा गाई गई है। अपने करकंडू पुराण नाम का एक ग्रंथ करकंडू पुराण मिल जाए तो जरूर पढ़ लेना जब सम्राट करकंडू करकंडराज के शीर्षण में पहुंचता है प्रभु कैसा मैंने पुण्य किया मैं बणिक पुत्र होकर के सम्राट बना कैसा पाप किया कि मेरे हाथ पैर में खुजली बेबीत अवधि ज्ञानी मुनीश्वर नबीन भैया स्मित मुस्कुराहट में कहते बस किसी व्यापारी की तराजू में कांटा मारा जा सकता है किसी शासन के कानून में काली पट्टी चढ़ाई जा सकती है लेकिन कर्म सिद्धांत पर न पासंग मारा जाता न तरायु मारी जाती है न कोई काली पट्टी होती है वो जौ का तो फल देता है सो भी क्या हुआ ऐसा बोले बेटे तू था एक ग्वाले का पुत्र और आपको गाय चराते हुए एक सरोवर में सहज दल कमल दिखा आप उसको लेके आए बिराजू भैया आप उसको लेके आए और ला करके आपने पहले शेठ को सामने लेके पहुंचे ने मेरे से बड़ा राजा होता है राजा राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा मेरे से बड़े जिनदेव होते हैं आपने जाकर के भक्ति के आवेश में आंग पीछे कुछ भी नहीं बिचारा और सीधे के सीधे गंदे पैर हाथ में जो मिट्टी छपी थी तालाब की वैसे मंदिर में प्रवेश कर गए श्री जिनालय में तीन लोग के नाक के चरणों में तुमने सहस दल चढ़ाया तो तुम सम्राट बने हो और आप जो मिट्टी भरे हाथों पैर पहुंच गए थे उसके पाप बंद के कारण आपके हाथों में पैरों में खुजली हो गई है इसलिए भैया मंदिर के गेट पर शुद्ध प्राशुक जल रखना और आप बिना पैर धोए हाथ धोए और मुख में कुछ खाए हो तो बिना अचवन किए अब श्री जिनालय में प्रवेश नहीं करना मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख शुद्धि कर लेना और प्रभु और पंच की स्थिति करने के लिए भी मेरे मित्र मुख शुद्धि कर लेना किसी प्रकार की अनलगढ़ मेरी भाषा ना हो जाए। हो जाए ना हो जाए बणिक पुत्र आप लोग हो तो बणिक पुत्र होता है वो तो ये देखता है न मुझे देश से प्रयोजन है न मुझे राष्ट्र से प्रयोजन है कौन से देश में निवास कर रहा हूं कौन से राष्ट्र में प्रवेश कर रहा हूं कौन से नगर में रह रहा हूं उसको तो प्रयोजन वो होता है कि जहां पैसा कमाया जाता है वहां मुझे रहना है बोलो ज्ञानी छत्तीसगढ़ में क्यों रहे द्रव मिलता है वहां रहते हैं ऐसे तत्वज्ञानी तत्व ज्ञानी जीव कौन सा क्षेत्र कौन सा काले कौन सा मुझे कोई प्रयोजन नहीं है मित्र मेरे पाप का क्षय किससे होता है और पुण्य की वृद्धि किससे होती है मैं तो वही मार्ग चुनता हूं क्या क्या आपके प्रतिष्ठान पर कोई गरीब आ जाए कोई सामान खरीदने के लिए तो नहीं दोगे क्या तुमको तो पैसे से प्रयोजन है ना चाहे हिंदू आए मुस्लिम आए सिख आए पारसी आए जैन आए ब्राह्मण आए छत्री आए बैंस आए शूद्र आए आपको वहां पर ये जाति गिनोगे कि नोट गिनोगे ईमानदारी से बोलना नोट गिनोगे ना बराबर यदि तुम्हारे पास इतना विवेक ज्ञान है तो फिर जयस बेटा इतनी बात मेरी मान लेना न तुम गिनना शुद्ध सागर न तुम गिनना सागर न तुम गिनना विराग सागर न तुम गिनना क्षमा सागर न तुम गिनना सुधा सागर ये सारे कुछ नहीं गिनना अपन को हमको तो ये देखना है हम गुरु के हाथ पर ग्रास रखेंगे जैसे तुम जाति नहीं देखते नोट गिनते थे ऐसे में तुम तो पुण्य गिनना अपना आप तो ये देखते हो मुझे कोई प्रोजन नहीं है मुझे तो व्यापारी लेने आया है इस हाथ में सामग्री लो उस हाथ में नोट दो और तुम जाओ ऐसे ही मित्र तुमको की मुद्राज मिल जाए इस हाथ में गिरास रखना और अपने हृदय में पुण्य कमा के चले जाना बोले गुरुजी तुम्हारा काम तुम जानो हम तो माला माल होके जा रहे हैं तुम तो माला माल होके जा रहे हैं इस कला में जीओगे ना मालूम नबीन के एक गुरु हो सकते हैं जैसे के दो गुरु हो सकते हैं लेकिन विशुद्ध सागर का तीन कम नौ कोटि मुनि गुरु है गुरु वक्त यम सादम दीपे दूत भरतना वंदा मित्र नव कोटि मुनी स्वाण ढाए दीप में जितने वीत रागे भाव लिंग निर्गंध तपोधन पर शून्य वे सब मेरे गुरु हैं नमो लोए, सब बसाओ जैसे ऐसा विचार करेगा ना ओ कलकत्ता में दीपक बांटने वो मालूम शम्बे शिखर में इतना धनपति होने के बाद भी अपने सिर पर फलों की टोकने लिए कभी बीस पंथी कोठी में कभी तेरह पंथी कोठी में कहीं सुमित सागर आश्रम में कहीं सब्भव सागर में कहीं नीच से कहीं पर सात सब जगह वो सुबह से निकल जाए हम लोग शुद्धि को जा रहे थे सभी सभीराज जहाज विराजमान थे, सभी जगह सिर पर टोकनी रखे और सब जगह फल देने गए थे तो उनके बेटे ने पूछ लिया बोले पिताजी आप किस परंपरा के हो उनके बेटे ने पूछा दीपक ने मुझे बताया बोले उनके बेटे पूछते लबकुश बोले पिताजी आप किस परंपरा के हो तो मालूम दीपक क्या बोलते हैं सुनने लायक प्रजाता जी तो दीपक ने बोला सारे श्राप को सुनने लायक दीपक मालूम क्या बोला बेटा तुझे मालूम अपन मारवाड़ी मारवाड़ी उनने अपने बेटों से बोला बोले बेटा मालूम अपन मारवाड़ी है बेटा अपन लोग राजस्थान के थे बीच में आपको बेटा मालूम नहीं है अपन राजघराने के हैं अपने दादा के दादा सम्राट थे समय बदलता है राजस्थान छोड़ करके बिहार में आ गए बिहार छोड़ करके पश्चिम बंगाल पहुंच गए पर बेटा देख अपने नगर की चिंता नहीं की समय बदला अपने बुजुर्ग राजी होने के बाद भी अपना व्यापारी लेकिन मालूम होना चाहिए जाना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मार मारी जब दीपक रब बेटों से कहा बेटा समझ अपन नगर नहीं देखते देश नहीं देखते जहां अपना व्यापार चलता है वहां पर निवास करते हैं ऐसी बेटा जब हम संपत्ति देख करके नगर बदल देते हैं ऐसे मेरे पुत्रों तुम टेंशन मत लो अपन यदि यदि भूखे भिखारी को भी भोजन करा देंगे तो दान हो जाएगा पुण्य तो मिलेगा फिर बीत दिगंबर मुनियों को आहार तरिया कराएंगे तो अपना पुण्य तो लबाला भरेगा उनका काम बेसमझे कौन से पंथ के हैं हम तो पंथ नहीं देखते हम तो संत देखते हैं। उनके दोनों बेटे मालूम अपने पिता के पैर छूते हुए बोले पिता ऐसी शिक्षा देने वाले सबको पिता मिले बिराजू भी भैया अब मालूम हुआ क्या वो दो जो पुत्र थे ब्राह्मण पुत्र उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था जिस व्यक्ति ने जिनाले में बिना हाथ पैर के प्रवेश किया उसके तो मात्र हाथ पैर में खुजली हुई पर जो लोग निर्गंत गुरुओं से उनको परास्त करने के लिए शास्त्रार्थ करने की बात करते हैं ऐसे लोग हैं सुन अपनी बात करें बे बे मालूम इस दस चंपू महाकाव्य में लिखा हुआ है सोमदेव सूर्य ने बेहे मुक्कंडूक समझ में आया मुक्ंदूक कुछ लोग ऐसे होते नबीन उनको तो व्यर्थ में बातें करना ही है तो जैसे खुजाएं खुजली हो जाए ना तो विचारों को बिना खुजाए चैन नहीं पड़ता चैन नहीं भले बाद में सीसी करके खूब बहुत आनंद आता खुजली खुजाने वाले को राकेश पंडित राजेश भाई तुझे तो पता होगा ना कभी तो हुई होगी आ जब खुजाओ ना कितना आनंद आता हो आदमी जो मिल जाए उसी से घिसने लगता है यदि पशुओं को भी खुजली हो जाए ना तो जहां देखो वो मालूम दीवाल में घस जाए पर्वतों की चट्टानों पे घिसने लग जाए ऐसी मनुष्य होता ना वो भी कपड़ा मिले तो घसीट दे पत्थर मिले तो घसीट दे खुजली खुजली ऐसे ज्ञानियों जिसके शरीर में खुजली हो जाए रवि भैया वो बिना खुदाए मानता नहीं है ऐसे जिनकी मुख में बोलने की खुजली है बेचारे बिना बोले मानते नहीं बोले कहा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए उन्हें कोई भी भी नहीं। बस उनको सोमदेव सूर्य की भाषा में कहो कमल मुक्ंदू इनकी मुख में खुजली है अब भी दोनों मुख के खुजले खुजले थे दोनों भाई मुख के खुजले थे ऐसे खुजले ऐसे खुजले, एसे खुजले मुक्न कंडू मुक्कंडू बी मुनियों की अवहेलना कर रहे थे और नगर में क्या बोले मैं वेदांत को जानता हूं मैं वेदों को जानता हूं मैं अठारह प्राणों को जानता हूं उपनिषद का ज्ञाता हूँ मैं बैयाकणाचार हूं मैं नैयाचार हूं, हूं। ओह मैं शब्दागम का ज्ञाता हूँ ऐसा करके पूरे नगर में हल्ला मचाए थे एक दिन दिगंबर बीतरागी श्रमणी के में पधारे, नगर बीत रागी की दर्शन करने को पहुंचते हैं। ये परंपरा देखो आज भी टूटी नहीं है कितने ही आंधी तूफान आए हों, कितने ही लोगों ने अपने पंथ बना के रख लिए हों पर परंतु दिगंबर मुनियों के प्रति जो आस्था थी वो आज भी है प्रतिदिन काशलीवाल जी आप देखते यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रावक आ रहे हैं और मालूम वो ऐसे नहीं आते वो बहुत तरीके से आते हैं वो दिमाग सोच के आते बोले यहां से अपन जाएंगे तो रायपुर से महाराष्ट्र निकल जाएंगे तो शिवपुर चले जाएंगे ठीक है फिर वहां से बनाते बोले पथरिया चले जाएंगे तो जहाँ जहाँ मुनि संगे सब घूमते घूमते लोग दर्शन कर रहे हैं आप सोचो उनके मन में दिगमृत के प्रति आस्था न होती कितने तूफान आए लोगों ने अलग अलग निर्गंतों की अवहेलना के भी पंत बना के रखे हुए हैं लेकिन विश्वास रखो वे पंथ समाप्त हो जाएंगे श्रवण संति जीवित रहेंगे तीर्थंकरों की बाणी कभी असत्य नहीं हो सकती झूठी नहीं हो सकती उन दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि साधु आए हुए चलो चल के देखो अपने सामने कौन लगता है वो भीड़ के साथ भीड़ के साथ अनिल भैया वो भी चल दिए लोग तो गए थे लोग तो गए थे गुरु वंदना करके चारित मुनि कर्म का उपसमन करेंगे इसलिए गए थे दान देंगे उपदेश सुनेंगे पर वे दोनों भाई गए थे इन मुनियों को साथ साथ में परास्त करके अपन विश्व में नाम कमाएंगे जाके सभी लोगों ने प्रणाम किया जय जयकार किया अपने हाथ में लिया उचित ध्रुव समर्पित किया गुरुचरणों में पर वे दोनों ऐसे सीधे जाके बैठ गए कोई प्रणाम नहीं कोई विनय नहीं सीधे जाके बैठ गए जैसी बैठे लोगों ने तत्व सुना पर दोनों अहिंकारी क्या कर सकते हैं मध का कीड़ा लगा हुआ था दोनों अहिंकारी भाई कहते हैं मैं जानना चाहता हूं आपसे श्रुतियों में क्या है श्रुतियों में क्या है पुराणों में क्या है वेद की ऋचाओं में क्या है उपनिषदों की कारिकाओं में क्या है स्वर्ग मोक्ष इनकी प्राप्ति का सत्यार्थ मार्ग क्या है आप जानते हो क्या वेदों के बारे में कुछ जैसी उन्होंने पूछा जैसी उन्होंने पूछा वे बीत लगे सम्मान मुस्कुरा के ओहो विप्रपुत्र आप क्या जानते हो मैं क्या जानता हूं ये बात की बात है आप क्या जानते हो आपको मालूम आप कौन थे अपने पूर्व का जानते कुछ तो वे तो अहंकारी थे बोले अपने पूर्व का कौन जानता अरे बेटा सुभन सागरी आपने देखा भीलवाड़ा में एक सज्जन मेरे पास अनिल भैया मैं उसे बोल भाई ज्ञानी समझ ज्ञानी समझ वो तो आपे के बाहर मैं तब भी कहूं ज्ञानी समझ ज्ञानी समझ बड़े प्रेम से मैंने उसको समझाया मैंने उससे पूछा भाई आप अष्ट सहस्री अष्ट सती प्रमे कुमार न्याय कुम चंद्र न्याय दीप का प्रमे रत्नमाला सत्य शासन परीक्षा परीक्षा मुख सूत्र प्रमा प्रमे प्रमा कल का छठखंडा धवल जय धवल महाबंद ओहो अष्ट पाहुड़ मूलाचार मूलाचार प्रदीप चारित्र सार पद्म पुराण महापुराण आदि पुराण ओहो हो श्रीपाल चरित्र वर्धमान चरित्र यानी मैंने ये ग्रंथों को जब नाम पूछे बेटा इन सबको पढ़ के आया है वो मेरे से कह रहा था मुझे शास्त्र करने आपसे तो मैंने कहा मित्र तू ये सब अध्ययन किए हो क्या बोले कुछ नहीं किए मैंने कहा मित्र जब तुम कुछ भी नहीं किए हो तो फिर तुम क्या साथ करोगे हमसे पहले ये तो आगम तो पढ़ना पड़ेंगे ना आपको पहले पढ़ाई करके आओ अपने गुरु के पास जयसेवाल जी मुरिराज ने कहा मुज ने कहा अहो आपको क्या अपने पूर्व का ज्ञान है वो दोनों उखड़ गए बोले पूर्व का ज्ञान किसी को होता क्या बोले किसी को हो ना हो पर मुझे है मुझ ने क्या कहा मुझे है आपको पूछना है क्या उतावलियों के पूछते हम बताइए मैं कौन हूं सुनो बैठ जाओ क्या बोले मुड़ीराज बोले बैठ जा आप दोनों पूर्व में गीदड़ थे क्या बोले आप दोनों इसके पहले पूर्व में तुम दोनों गीदड़ थे बिचारे बिचारे मालूम बोले क्या प्रमाण बोले तेरे पिताजी बोले क्या प्रमाण बोले तेरे पिताजी बोले मेरे पिताजी बोले हाँ विषय समझना विषय क्या चल रहा है अनंत को जानना तुम क्या शब्द के अहिंकारी हो अपने भवों को नहीं जानते हो दुनिया को क्या जानोगे जैसे अनिल भैया भगवान बीतरा के श्रमण ने कहा कि तुम दोनों गीदड़ थे बोलो क्या प्रमाण अपने पिताजी से मिलो बोले पिताजी से क्या मिलू अब आप ही बोलो ना पिताजी को पास में बिठा लो उन्होंने अपने पिता को पास में बिठा लिया पिता बड़ा सरल स्वभावी था मुनियों को प्रणाम कर रहा था क्षमा मांग रहा था तब भी मालूम मुंडराज ने कहा आपको याद है मुंडराज ने कहा आपको याद है बोले स्वामी क्या एक दिन आप खेत में हल को छोड़ के चले गए थे शाम को जोत करके और खेत को खाली छोड़ के चले गए थे हल को उसके साथ ही आपके पास चामुक था चामुक जानते आप लोग चामुक मतलब वो बैलों को हांकने का एक चामुक होता है वो लकड़ी में चमड़ी को फंसाए रहते बोले वो चामुक था चामुक सही तक हल्को छोड़ के चले गया हल्को छोड़ के इसी में पानी जो चामुक की चमड़े की दो वेल थी मारने की बैलों को चलाने की वे पानी में फूल गई इधर तुम दोनों गीदड़ बच्चे मुर्दा क्या और इधर तुम दोनों गीदड़ बच्चे भूख से बिलक रहे थे क्योंकि पानी गिरने के कारण तुमको कुछ शिकार नहीं मिला वो घूमते 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 उस खेत में पहुंचे जहां पर किसान का हल रखा हुआ था उस हल पे दो चामुक टंगा हुआ था उसको गीला देख करके भूना देख करके तुम दोनों ने सूखा चमड़ा चबा लिया और सूखा चमड़ा चबाने के कारण जब पेट में जाकर उसूल हुआ और इतना सूल तीव्र दर्द हुआ तीव्र दर्द हुआ कि तुम दोनों सहन नहीं कर पाए और दोनों को, दोनों के प्राण चले गए दूसरे दिन बारिश बंद हुआ आपके पिताजी घर से आते हैं और उन्होंने दो मृतक गीदड़ों को देखा दो मृतक गीदड़ों को देखा तो देख कर उन्होंने सोचा तो मर चुके हैं और उन्होंने इनको उठा करके इनकी चमड़ी निकाल करके सुखा करके अपने घर में दो ढोलक बना लेके ढोल ढोल बजाने वाले ढोल उनको चमड़ी दो गीदड़ों की मित्र तेरे घर में दो ढोक टंगी हुई है ताकि पिताजी से पूछो ऐसा हुआ कि नहीं वो चमड़ी के जो ढोल तेरे घर में टगे हुए हैं है, वे कोई दूसरे की चमड़ी नहीं है वो तेरी चमड़ी है मालूम पिताजी बोलते हाँ गुरु जी ऐसा हुआ था हम छोड़ के चले गए थे ये बात ये बात ये बात पच्चीस बार पुरानी है कि हमारे साथ घटना घट गट गई थी बोली घट गई थी ना आप घबराओ मत जिनका चमड़ा था वे तेरे घर के तेरे दो लाल हैं हाय इतने 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 लज्जित हुए कि इनने तो मेरा रहस्य खोल दिया अब लोग मुझे कहा कहेंगे विप्र पुत्र कहेंगे गीदड़ बोलेंगे उसमें तो मुस्कुरा के घर चले गए वापिस रात्रि में आते हैं मुरराज वहीं ध्यान में लेन थे और दोनों मुरराज पर उपसर करने के लिए आ गए उपसर करने के लिए आ गए वहां के यक्ष ने दोनों को कीलित कर दिया प्रातः हुआ सारे नगर के लोगों ने देखा ई ए... बनारस के विद्वान क्या कर्म कर रहे हैं उनका पिता आया राजा आ गया फांसी पर चढ़ा दो राज ने आंखें खोली हे देव, इन बिचारों को दो। आह। अनिल भैया दया की मूर्ति कहां मिलेगी हो सकता कि राजकुमार गंगवाल कोई प्रतिमा बना के रखते कि पारस पाप कोई मूर्ति बना के रख दे दया की मूर्ति है है मित्र दया की पत्थर की पत्थर मूर्तियां तो तुम बना सकते हो पर दया की मूर्ति तुम्हें देखना हो उसका नाम दिगंबर मुनि दया की मूर्ति जिसके मन में किसी के प्रति अशुभ भावना ना है उन परिणामों को संभालो उन परिणामों को संभालो जो तलवार चला रहे थे उनके प्रति भाव पवित्र थे फिर मुरजाज को मुरजाज के प्रति कैसे प्रणाम होंगे चीटी की रक्षा करने वाले लोग अशुभ कैसे विचार कर सकते उनके पिता सुबह आए बेटों की करतूत देख करके बेचारा रो पड़ा पुनः देखो अंदर की करुणा देखो पुनः देखो फिर भी उन्होंने क्या बोला मालूम हे तात, तुम दुखी मत हो जीव की अज्ञान अविद्या का यही प्रभाव होता है तत्व ज्ञान शादवा से शून्य प्राणियों को सम्यक बोध कहां का बोध कहा वस्तु के वस्तुत्व को कहा जान सकेंगे बिचारे उनका जैसे कित्ते ही कच्चे फल हों आम के पपीते के मित्र पाल में डालते ही पक जाते हैं ऐसे अनिल भैया ए मुर्जाज के जो बचन होते ना इन बिचारों को क्षमा कर दो देव इनको छोड़ दो ये उनके लिए उनके लिए मिथ्यात के कच्चे आम में पाल लग गया उनको सम्यक की सुगंधाना प्रारंभ हुआ दोनों के दोनों भाई मुनिराज के चरणों में गिर गए पिता सहित जैन बन गए जीवन में जीवन में, में यानी मत किसी को भगाओ एहसान में दबाओ यानी खट्टे आम को फेंकने वाले तो बहुत मिल जाएंगे खट्टे आम को पाल लगा के पकाने वाले बनो ना अमिया फेंक करके तुम्हें मिलेगा क्या अमिया फेंक करके मिलेगा क्या और पाल लगा दोगे तो मेरे मित्र टपका के साथ पराठे खा लेना देखो चेहरा सोनू का मित्र कच्चे आम फेंक के क्या मिलेगा इसलिए संसार में जो मिथ्या से दूषित चित्त हैं आस्था से दूषित चित्त हैं इन्हें मानो कच्ची अमिया हैं मेरे मित्र इन्हें तोड़ो मत इन्हें फेंको मर डाली पे पकने दो पाल में डाल देना यही पक करके नायक संजय टपका बन जाएंगे विराजो ज्ञानी अंत में शरण कौन मिला पुत्रों को शरण कौन मिला अब कोई जीव यू कहे कि भोपाल का विद्वान कहे कि गुरु जी अब तुम्हें तो वास्तु शिल्प कला और सारे ज्योतिष तंत्र मंत्र सब पढ़ चुका हूं पूरा प्रतिष्ठाचार बन चुका हूँ मेरे मित्र तुम सब कुछ बन गए हो लेकिन ये तो बताओ तुम पूर्व में क्या थे पूर्व में कहते हैं विनोद भैया बच के रे ना कलयुग है ये जब भी तुम्हारे द्वारे पर कोई आए ना रसीद कट्टा ले करके आप सीधा बोलना है। भाई दुआएं मोह मत दो जितनी सामर्थ्य से हम आपको दान दिए देते हैं लेकिन जब वो कहे बोले विनोद भैया आप तो ऐसा लो ये कलश रखवा लो ये माला पहन लो ये कंकड़ बनवा लो ये मोली बनवा लो ये अंगूठी पहन लो ये नग पहन लो कहना भैया के काम मत करो तुम्हें तो दान चाहिए सो मैं दे दूंगा लेकिन धर्म में व्यापार नहीं होता मेरी बंसना मत करो बोले क्यों बोले मैं बच गया 2022 में चातुमास करा लिया है तो सब मैं सीख गया बोले किस बात पर इस बात के लिए संजय नायक आप विश्वास करो जितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग आएंगे बेबड़िया के घर में ही सिर्फ मुखा नहीं जाएंगे कलश तेरे घर में नहीं जाएंगे और इतना ही नहीं और ज्यादा हुए तो सुधीर गोंदिया सुधीर रायपुर सुधीर एक तहसीलवाल पापड़ीवाल रारा ये सारे सारे जितने धनपति लोग हैं बाकी वाल उन्हीं उन्हीं के घर में जाएंगे उन्हें पता है के पुण्य पहले से भरे हैं तब जानू मैं किसी गरीब के घर में कलश रखा के आओ वो अमीर हो जाए तो तुम्हारे मंत्र का प्रभाव होगा इसलिए नायक मित्र बच के रहना बच के रहना मंत्र के प्रभाव में कमी नहीं है इसको भूलना मंत्र, अपना महामंत्र मंत्र है कौन प्रभाव में कमी है लेकिन जो लोग छल करके तुम्हारे घर से धन लेना चाहते हैं उन छलियों से बच के रहना मैं दान देना जानता हूं मैं दान देना जानता हूं पर लोभ में आके नहीं दान देना जानता हूं लोभ में आकर के नहीं प्रभु भक्ति करना जानता हूं लोभ में आके नहीं मैं निकांचित भाव से अरंत की भक्ति करूंगा तो मेरे मित्र अपने आप बरसेगा अब तो प्रयोग देखो प्रयोग देखो अपने तीर्थंकर भगवान सम्राट के बेटे होते कि नहीं होते कितने राजे महाराज हुए हैं चक्रवर्ती भी हुए हैं उन लोगों ने सब छोड़ दिया छोड़ दिया ना बुद्धिपूर्वक छोड़ा ना उन्हें उन्हें छोड़ा ना उन्हें छोड़ा ना उन्हें पुण्य ने कहा छोड़ा उन्होंने विभूति छोड़ी ना चक्रवर्ती पद छोड़ा ना पर पुण्य ने उन्हें कहा छोड़ा इधर जब सम्राट थे तब मात छियानवे हजार रानियां दिखती थी शांति कुंतरे नाथ को और जैसे मुरजाज बने मित्र मालूम सोच रहे तब तो सब छूट जाएगा समोषण में कितनी आरकाय पहुंच गई कितनी श्रावक श्रावकाए पहुंच लाखों, लाखों लाखों कितनी मुर्दाज लाखों लाखों कितनी आरकाय लाखों लाखों मित्र जो सिंहासन पर बैठते थे राज्य में अब समोषण में बैठे सिंहासन पर तब भी अधर में यदि आपको विश्वास ना हो विनोद भैया तो प्रयोग करके देख लो मैं विश्वास के साथ कहता आपने मुझे इस पर बिठा लिया ना पार्टी पर सिंहासन बिठाला आप नहीं बिठाए ना मैं तो सब छोड़ के आया था घर से सब छोड़ के आया था लेकिन औरंगाबाद में समाज ने ही गुरु जी के केने पर सिंहासन ला करके और गुरु जी ने संस्कार कर दिए बोले आचार बन गए आज से आप मित्र पाप ने फिर ऊंचे बिठा दिया पर मुझे मालूम है ये ऊंचाइया पुण्य की है मेरी आत्मा तो सबसे शून्य जो है सो है ये ये सियासन थोड़ी कराएगा, ये थोड़ी समाधि मुझे मोच मोच मुझ तो मेरे प्रणामों की भिज पाएगी इसलिए इस पर बैठ करके भी अपने से दूर नहीं हटने का बिराजो ज्ञानियों जितने खड़े हो सो ध्यान से सुनना भैया भले बैठ जाओ सोफे पर लेकिन सोपे को अपना मत मान लेना नहीं तो रारा कल से कह रोज मैं यही बैठता हूं पापुल हटो यहां से हो ज्ञानी ज्ञानी दोनों विप पुत्र को अंत में कहा जाना पड़ा उन्हीं निर्गंत गुरु के चरणों में स्याद की शरण लेना पड़ी ना बस मैं यही तो बोल रहा हूं जब जब मन में ज्ञान का अहिंकार जागने लग जाए ज्ञानियों जब जब मैंने तो पचास डारियां लिख चुका हूं और इतने श्लोक याद हो चुके हैं बालक बालक जिन्हें चराचर जगत दिखता था वे अहंकार नहीं किए हम चार लिखे आचार्यों के श्लोकों को पढ़ करके अहंकार और किस बात का किस बात का मैं कहूं मैं इतना प्रवचन कर अरे किसका वो पूरा आचार्यों को पढ़ के ही तो बोल रहे हो आपका क्या है इसलिए हे प्रभु मेरा कुछ नहीं है आपके लिखे ग्रंथों का ये एहसान है उस भजन को मैं झेल नहीं पा रहा इतना एहसान आपका बीर गुरु गोतम के है, गंगा वीर हिमाचल से निकल के आई है गौतम स्वामी गड़दर के कुंड में आई है वो आचार्यों की नाली से मित्र गुरु कृपा से पाई है इसमें मेरा क्या है तो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है मत किस बात का मत किस बात का इसलिए हजारीबाग में मुख्यु बेटा तुमको भी अपनी पर्याय का अहंकार आए अपनी उम्र का अहंकार आए तो सोच लेना इसमें मेरा क्या है पूर्व परिवार ने जो पुण्य किए थे उसका उदय मिला है और जिन श्रवण संस्कृति मिली है ये धर्म का उपकार आपके पास है बेटा ये मत कहना आप लोग भाई लोग कि महाराज जी हम बड़ा एहसान करने के लिए आपके पास आए तुम एहसान करने नहीं आए हो तुम अपने पाप छ करने आए हो बैठ जाओ मालूम भैया ओ ज्ञानी हजारीबाग यदि कोई श्रावक मुझे आहार देना और ये सोचे अविनाश विदिशा हम न होते तो भूखे मर जाते मालूम ये क्या सोचे बोले हम न होते महाराज जी तो कौन विहार कराता मालूम एक बार आप वो ब्रह्मचारी दिलीप मार साहब निर्मल और पंडित जी आपके कौन पंडित जी हैं महेंद्र पंडित जी सुब्रत सागर जी ये सब मिल करके मुझे विदिशा से सांची बिहार करा के ले गए थे रास्ते में ग्रीष्म काल था खेत में चल रहे थे यहां से वहां तक एक बहुत बड़ा सांप निकल पड़ा याद है मित्र हाँ अब मालूम वो सांप का रंग और मिट्टी का रंग एक से ही था बोले महाराज जी ये सांप दूर से फुसकार मार दे तो आदमी मर जाता है वो हम लोग तो बिल्कुल ऐसे ही उसके पास में पहुंच गए लेकिन क्या करूं पुण्य की फुसकार में कोई की फुसकार ही नहीं लगती पुण्य की फुसकार में कोई की फुसकार काम नहीं करती कितने एक बार तो अविनाश अपने अमरावती में चातुर्मास करके मुक्तागिरी रहा था मैं मुक्तागिरी भगवान के दर्शन करने के लिए रास्ते में एक खेत में सोच को गए अब विश्व सागर गिरी रहे दो तीन हम लोग थे मालूम एक अजगर अब अजगर मेरे सामने चला आ रहा वो आवाज कैसे जैसे खेत में किसान खलियान में अपना उड़ाते ना वो टोकनी भर करके तो उसमें जो आवाज आती है ऐसी आवाज आ रही पत्तों पत्तों में बोली भाई क्या है यहाँ पर कोई तो था नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही जैसे पीछे मुड़ के देखो ओ भाई महात्मा अजगर जी मेरी तरफ चले आ रहे हम की ज्ञानी विश्वास रख जब तक पुण्य है तब अजगर भी नहीं निकल सकता वो पुण्य छे हो गया तो मेरे मित्र घर की माता ही बच्चों के टुकड़े कर देती है में ही मार देती, उन को। वो अजगर ने भी कुछ नहीं किया झांसी में तो मालूम अब भैया एक काले नाग ने मेरी उंगली दबा ली अब मैंने कहा ठीक है उसी वर्ष में यहाँ से गया था छत्तीसगढ़ से और यहाँ पर रायपुर में घटना घट गट गई थी एक सितंबर साधु जी थे उनको काले नाग ने डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी यही रायपुर की घटना है तो जब उसने अंगुली दबाई तो मैंने कहा दबा के तो चला गया अब मैंने उसको ऐसे दबा लिया देखो जो होगा सो सुबह देखूंगा और यदि नष्ट नहीं हुआ तो सांप कुछ नहीं कर पाएगा वो नष्ट हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे शरीर के लिए लेकिन हम अपने लिए तो सब कुछ कर सकते हैं रात के बारह बजे से मैं तो बैठ गया ऐसे अंगुली पकड़ी और साम को बैठ गया नमोकार मंत्र की महिमा तो देखो ऐसो पंच नमो कारो सब पापरो मंगलानम संगलम विघ्न अपन यात्री भूत पन्ने का विश्व निरुस्ता सुबह देखा विनोद भैया कुछ नहीं ऐसे जैसे बिजली का करंट लगता ना थोड़ा सा ऐसा करंट लगा था और अंगुली साफ ये अरहंत देव के परमात्मा के चरणों का प्रसाद शामलिया पार स्नान करुआ जी की कृपा थी भक्ति से ऐसे बोलना कुछ भी नहीं हुआ अब मालूम मैंने सोचा हो सकता बर्रैया हो चुआ हो पर सांप ने क्या किया बोले एक सुबह भूल में कहीं बर्रैया कहते रहे तो प्रमाण तो देके के जाऊ वहां पर श्रावकों के लिए रात्रि में भैयावृत्ती के लिए चटाई बिछा गए थे एक प्लास्टिक की थोड़ी दूर पर वहां जिस पर श्रावक बैठे हुए थे वो महात्मा उसी चटाई के अंदर जाके बैठ गए प्रातः हुआ इस संग में अनुपम सागर जी अनुपम सागर जी नागपुर में चौमा कर रहे उनके दादाजी आए सुबह से पता नहीं कहां से आ गए वो बोले कर दिया उन्होंने क्या किया बोले कचड़ा बहुत पड़ा कमरे में बोले मैं सफाई करता हूं बाहर से झाड़ू उठा लाए जैसे ने चटाई उठाई बे निकल पड़े और उनने चटाई फेंकी और भगे हमने कि भगो मत यही महात्मा थे शाम को लेकिन ईमानदार था यार ना भैया नहीं ईमानदार था कितना ईमानदार था वो वो भाग जाता तो अपन यही सोचते बर रैया हो गया चुहा होगा लेकिन वो भगा नहीं बड़े शांति से उसने मुझे देखा हमने उसे देखा जाओ जाओ भैया भगवान महावीर की जय बोलो पारसनाथ की जय बोलो अपनी सुधारो इधर कुछ नहीं होने वाला बेचारा निकल गया इसलिए अविनाश ये मत सोच बैठना गुरुजी हम न होते तुम्हारा बिहार कौन कराता ऐसा मत दिखाना ऐसा कहो ज्ञानी मित्र हम न होते तो तुझे पुण्य का अवसर कहां से मिलता तुझे पुण्य का अवसर दिया था नहीं तो सुधीर बाकी सोचे जबलपुर से लेके लेकर जबल अरे तुम कुछ लेके नहीं आयो मित्र जो तुम्हारी संपत्ति में कीड़े लगने वाले थे ना वो गुरुओं के हाथ में जाकर के आहार देकर के तुमने उसको काले द्रव को सफेद कर लिया है हो विराज हो ज्ञानी अब सोचो अब सोचो की शरण में जाना ही पड़ेगा यहां यही कह रहे हैं सौवे समी मिच्छम चेवगो नयादम राजाओं सूत्र क्या कह रहा गाथा सूत्र ये सुब्र सागर सात सौ तीस नंबर की गाथा है बस नजदीक पहुंच गया सात सौ तीस नंबर की गाथा में यहां पर लिख रहे हैं बसात सौ सर्वे समी भ्रतम राजो मित्र नाना प्रकार के अहिप्राय वाले जीवन जगत में नाना जीवा नाना कम ओ तो जावदियम वैवादम देव कुमार तावदियम नहीं वादम सिद्धसेन गढ़ी कहते जितने वचनवाद हैं उतने नई अब वो कह रहे जैसे नाना अभिप्राय वाले जगत में सेवक हैं एक एक सम्राट के पास राजा एक है निर्मल गोंदिया राजा एक है परंतु वृत्त कितने हो सकते हैं एक राजा के पास अनेक हैं हल अलग अलग कार्यों के अलग अलग नौकर हैं बराबर आप जैसे संगीतकार भी होंगे आप जैसे Uh, कभी भी वहां पर होंगे बागमी होंगे नया होंगे तो कोई मित्र झाड़ू लगाने वाले भी होंगे तो कोई गाय बैस कोई पालने वाले होंगे तो घुड़शाला में ही देख रहे होंगे अनेक प्रकार के अस्त्रशाला अस्त्र साला, सारी सालों में उनके नौकर थे पर उन नौकरों में कभी ना कभी तो विसंवाद हो ही जाता है ऐसा तो होता नहीं कि विसंवाद ना होता हो। होता कि नहीं हो ही जाता है जैसे आचार्य महाराज किसी सम्राट के नौकरों को लड़ते देख रहे हूं सुनो प्रजा को लड़ते देख रहे हूं और फिर देख करके उन्होंने अनुभव से लिखाई ओहो नाना सेवक और नाना सेवक कैसे नाना तो सेवक है और राजा सोमी कितने हैं एक राजा व्यवहारी जन ओ सम्राट जो है देखता है ये सब आपस में लड़ रहे हैं सब आपस में लड़ रहे हैं सारे लड़ते हुए लोगों को देख करके जब ये लड़ते लड़ते आपस में थक गए और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है फिर कहां जाएंगे जो सेवक है ना प्रजा है लड़ रही थी और लड़ते लड़ते प्रदीप कहीं उसको शरण नहीं मिली तो कहां जाएगा आखिर में अंतिम निर्णय क्या होगा अंतिम निर्णय तो सम्राट की शरण में जाएंगे ना आहा, क्या आनंद आ गया जैसे लड़ते लड़ते नौकर लड़ते लड़ते प्रजा अंत में जब देखते हैं अब आप उसमें नहीं सकते सुबह बढ़ रहा है तो फिर किसकी शरण में जाएंगे सम्राट की शरण में जाएंगे आह हा ज्ञानियों ऐसे जगत के नाना पंथ नाना संत नाना परंपराएं में लड़ती हैं लड़ती हैं जब नहीं समझते हैं उनको स्यादवाद की चरण में चले जाते हैं सम्राट है क्या रहस्य की गाथा लिखी है परस्पर जो परस्पर जो परस्पर विरोध कर रहे थे सारे के सारे नए के शरण जाकर के सम्यक भाव को प्राप्त हो जाते हैं राजा के पास जब समाधान मिलता है तो सब शांत हो जाते अथवा जैसे मंत्रवादी के सामने काला नाग भी शांत खड़ा हो जाता है मंत्रवादी के सामने काला नाग भी शांत हो जाता है और तो और क्या तीर्थंकर महावीर के सामने शेर भी शांत खड़ा हो जाता है ऐसे सियादवाद के सामने सारी कुने शांत होकर के सियादवाद की शरण में चले जाते हैं राजा छत छत्र में पहुंच जाओ राजा की छत छाया पहुंच जाओ सुनील पुत्र राजा के छत छाया पहुंचा बेटा जैसे राजा के में पहुंचने से ज्ञानियों शरण मिलती है ऐसे ही की छत्र छाया में विरोध के कारण भूत सब अवधारणा दूर हो जाती है और सापेक्षता पूर्वक एकत्र हो जाते हैं बैठो सापेक्षता पूर्वक एकत्र हो जाते हैं ऐसी कला आना चाहिए ऐसी कला आना चाहिए ये मेरे कारण नहीं बैठे आप लोग विश्वास मानिए मंडप में एक साथ इतनी देर से आप लोग बैठे हो लोग कहाँ शांत बैठते हैं निर्मल भैया इधर का चमत्कार तो देखो आप आपके घर में तो दो दीदियाँ शांत नहीं बैठती हैं इतनी माताएं कितनी शांत बैठी है ये मित्र का चमत्कार है जाओ, कल फिर आओगे मित्र पर पुनः चर्चा करूंगा जगत में सायु शरण छोड़ देना और श्यादा शासन की शरण में चले जाना आत्म शुभाव प्रभाव भिन्न